एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग सेफ होंगे अपने घर पे। सो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ यूनाइटेड कॉफ़ी हाउस सिंस 1942 विच इज़ इन कनॉट प्लेस। ओवरऑल जो यहाँ का एम्बियंस है वो काफ़ी ज़्यादा एक ओल्ड ब्रिटिश वाइब दे रही है, बिकॉज ऑफ द वॉल्स जो इन्होंने ऐसे पूरी काफ करी हुई है, जो शैंडलियर्स इन्होंने लगा रखी है, एंड ऑल्सो जो पूरा वुडन वर्क हो रखा है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक ब्रिटिश वाइब दे रही है ओवरऑल। एंड द कुजीन दे सर्व मुगलाई, चाइनीज़ एंड यूरोपियन, एंड यहाँ पे मुझे शेक्स इनके बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे थे। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई ऑर्डर इज़ कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम, एंड आई हैव टू से इसकी जो प्रेजेंटेशन है बहुत ही मुझे बढ़िया लगी, एंड जो ग्लास है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। इट्स ह्यूज, एंड जो इन्होंने आइसक्रीम ऊपर यूज़ करी हुई है वो है कॉफ़ी फ्लेवर की, एंड जो इन्होंने कॉफ़ी यूज़ करी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो जो ये आइसक्रीम एंड कॉफ़ी का जो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है खाने में, एंड जिस टाइप की भी गर्मी है उस टाइप के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब हाई टी के लिए आए तो ऑफकोर्स ये बात है चाय तो ऑर्डर होगी ही, एंड यहाँ पे हम लोगों ने चाय ऑर्डर करी है। इवन दो आई एम नॉट अ टी पर्सन, मेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स ने पिया था, सो उनका मैं फीडबैक बताऊँगी क्या था। सो यहाँ पे जो केटल है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रही है, स्टील की है, एंड काफ़ी ज़्यादा एक वो जो ब्रिटिश वाइब होती है वो दे रहा है, एंड ऑल्सो जो चाय की शक्ल है वो भी काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है। सो ओवरऑल जो चाय थी उसका टेस्ट घर में सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, सो इट्स अ थम्स अप फ्रॉम आवर साइड। इस चाय के साथ इन्होंने जीरा वाले बिस्किट भी दिए थे थोड़े से, एंड देखने में तो ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, एंड खाने में भी ये मुझे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगे। इनका जो ओवरऑल मेन्यू है काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, सो आपको अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से कुछ ना कुछ यहाँ पे मिल ही जाएगा। कॉस्ट फॉर टू इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3000 फॉर टू। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी ऑर्डर इज़ पनीर के पकौड़े, एंड यहाँ पे 6 पीसेज मिले हैं जिसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला भी स्प्रिंकल करा हुआ है। सो बाहर से एकदम क्रिस्पी एंड गोल्डन ब्राउन है, और जो पनीर है अंदर का वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। इसको जब मैंने इनकी ग्रीन चटनी के साथ खाया तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, एंड जब यहाँ पे मैंने कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम मंगाया था उसके साथ ये काफ़ी अच्छा पेयरअप भी हो रहा था। आफ्टर दैट वी ऑर्डर्ड समोसा आलू एंड पीस वाला, एंड इसका जो समोसे का साइज़ है वो ह्यूज है। आई हैव टू से ये मेरे पाम से भी ज़्यादा बड़ा है। अभी आप देखना जब इसे कट करेंगे तो कितना ज़्यादा ह्यूज है ये। बाहर से काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी है, गोल्डन ब्राउन है, और अंदर ये फिलिंग से फिल्ड है ऑफ मटर। इसमें मुझे हार्डली आलू दिखे, मुझे लगता है ये शायद मटर वाला ही था समोसा। सो ओवरऑल अगर मैं समोसे के टेस्ट की बात करूँ तो मुझे ओकेश लगा, फर्स्ट रीज़न बीइंग कि समोसा इतना ह्यूज था कि उसमें से एक छोटा पोर्शन काटते काटते ही जो उसकी फिलिंग थी वो पूरी स्कैटर हो गई, जिसकी वजह से वो समोसा खाने का उतना ज़्यादा मज़ा आ नहीं रहा था। एंड ऑल्सो मुझे मेरा जो समोसा है पर्सनली आलू के साथ ज़्यादा टेस्टी लगता है, मटर वाला मुझे थोड़ा कम पसंद आता है, एंड इसके अंदर पूरा का पूरा मटर ही भरा हुआ था। सो इसके बाद भी ऑर्डर आलू टिक्की, एंड यहाँ पे मिले थे 4 पीसेस ऑफ आलू टिक्की। सो यहाँ पे इन्होंने इसके साथ कोई भी चटनी तो नहीं दी थी, इसके ऊपर इन्होंने चाट मसाला टाइप तो ज़रूर स्प्रिंकल करा हुआ था, एंड जो इसके अंदर फिलिंग है वो भी पीस की थी, मटर दैट इज़। एंड आई डोंट नो मैं इससे अभी क्या एक्सपेक्ट करूँ फ़िलहाल के लिए, बिकॉज ऑलरेडी समोसा मैं ट्राई कर चुकी थी। सो यहाँ पे ये चटनी के साथ तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, एंड इसके साथ हमने ऊपर से मीठी चटनी जो इमली की होती है वो मंगाई, जो इसके ऊपर अभी डल रही है, एंड उसके बाद इसके ऊपर डाली ग्रीन चटनी। सो इसके बाद यस, ये आलू टिक्की जो है ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। सो मज़ा तो आया ये आलू टिक्की खा के, बट क्या मैं ये नेक्स्ट टाइम ऑर्डर करूँगी, आई डोंट थिंक सो। आई एम श्योर कि आप सभी लोग शाउट आउट का वेट कर रहे होगे, एंड आज का शाउट आउट जाता है ट्रू फीलिंग्स ऑफ लाइफ 5344। आपका मैं हर टाइम कमेंट देखती हूँ, और आप हर टाइम बोलते हो मेरे को बड़ा ब्लॉग बनाने के लिए। सो इस बारी मैं आ गई हूँ थोड़े से बड़े ब्लॉग के साथ। आई होप आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आएगा। इफ़ अदर व्यूअर्स वॉन्ट शाउट आउट्स लाइक दीज ऑन माई वीडियो, देन मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हिट दी नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड अ वीडियो। सो मैं अब चलती हूँ अपनी नेक्स्ट डिश की तरफ, एंड दैट इज़ चिकन कटलेट। जो चिकन कटलेट था वो काफ़ी ज़्यादा पतला था, एंड अगर मैं इसके ओवरऑल टेस्ट की बात करूँ तो ये मुझे ओकेश लगा, विद ग्रीन चटनी थोड़ा बेटर लग रहा था, बट दिस इज़ नॉट द बेस्ट कटलेट जो अभी तक मैंने ट्राई करा है। इसके बाद वी ऑल्सो ट्राइड वेज कटलेट, जो कि फार मोर बेटर था एज़ कम्पेयर टू चिकन कटलेट, एंड यहाँ पे इन्होंने 2 पीसेस दिए थे अलॉन्ग विद सम वेजीज एंड पोटैटो चिप्स। अगर मैं ओवरऑल वेज कटलेट की बात करूँ तो अंदर की फिलिंग तो मुझे नहीं समझ आई एग्जैक्टली किस चीज़ की है। जो बाहर का आउटर लेयर था वो काफ़ी अच्छा गोल्डन ब्राउन था, एंड अंदर जो
वेजिटेबल्स डली हुई थी, आई एज्यूम की पटेटोज एंड पीज होंगे। सो वो काफ़ी अच्छे से मैश हो रखा था एंड अलॉन्ग विद ग्रीन चटनी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सो एज़ कम्पेयर टू चिकन कटलेट, वेज कटलेट मुझे ज़्यादा पसंद आया। आफ्टर दैट वी ऑर्डर्ड वेज सैंडविच एंड चिकन सैंडविच। जो ये चिकन सैंडविच था ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगा, इसमें काफ़ी अच्छा एक बटर एंड मिन्स चिकन म्यूनीस इन सब का काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा था। एंड जो वेज सैंडविच था उसके अंदर इन्होंने खीरा और टमाटर डाला हुआ था अलॉन्ग विद लॉट्स ऑफ बटर। सो काफ़ी सिंपल सैंडविच है बट काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है ये खाने में। आई फील दैट दी सैंडविचेज आर परफेक्ट फॉर हाई टी। पर्सनली मुझे ये सैंडविच खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया विद द चिप्स जो इन्होंने साइड में इसके साथ दिए थे। सो यहाँ पे जो चिकन सैंडविच है उसके ऊपर मैंने रख लिया था काफ़ी सारे चिप्स। मुझे फुली उसको लोड करके खाने में मज़ा आता है कि वो पकड़ा भी ना जाए ऐसे। सो जो चिप्स का क्रंची टेस्ट है एंड जो चिकन का क्रीमी टेस्ट है, वो जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन आता है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगा। सो ओवरऑल मुझे तो ये पर्सनली सैंडविच खाने में काफ़ी मज़ा आया एंड जो मैं कोल्ड कॉफ़ी पी रही हूँ इसके साथ वो काफ़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इतना सब खाने के बाद भी वी एंडेड अप ऑर्डरिंग एग पकौड़ा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं तो फॉर द फर्स्ट टाइम खा रही हूँ। यहाँ पे इन्होंने चाट मसाला खूब सारा डाल रखा है, सो उससे काफ़ी अच्छा एक टेस्ट आएगा आई एम श्योर, जैसे पनीर पकौड़े में आया था। अगर मैं इसके ओवरऑल टेस्ट की बात करूँ तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ न्यू फॉर मी, जो मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया सरप्राइजिंगली। एंड मुझे ये अच्छा लगा खाने में, काफ़ी डिफरेंट भी था एज़ कम्पेयर टू अदर पकौड़ाज जो अभी तक मैंने ट्राई करे हुए हैं। सो ओवरऑल अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ यहाँ पे हाई टी की, सो यहाँ पे बैठ के आपको एकदम एक ब्रिटिश वाइब टाइप वाली तो फीलिंग आएगी आएगी, बट अगर मैं ओवरऑल फूड की बात करूँ जो मैं रेकमेंड करूँगी, दैट इज़ योर चिकन सैंडविच, वेज सैंडविच, देन कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम, टी। एंड इसके अलावा यहाँ पे पकौड़ा भी काफ़ी टेस्टी है बट टू एक्सपेंसिव। इफ़ योर पॉकेट अलाउज देन यू कैन ऑल्सो ऑर्डर पकौड़ाज एज वेल। सो आई होप आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आएगा एंड इफ़ यू लाइक इट देन मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट दी नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड अ वीडियो। सो मैं आपको मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, टिल देन बाई।